क्वेश्चन नंबर थ्री स्टार्ट करते हैं। केबीजे एनसीआर इन पार्टनरशिप सेलिंग सीडीज एंड डीवीडीज बाय देयर वेबसाइट। दे हैवंट बीन वेरी सक्सेसफुल इन द पास्ट ईयर एंड इन द ईयर एंड इन 30 जून। अच्छा, रिकॉर्डेड अ लॉस ऑफ 120,000। इसमें लॉस है। देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टेट्स द फॉलोइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 4%। सी टू बी एलोकेटेड सैलरी ऑफ 2,500, 25,000 एंड जे 14,000। नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ 4:3:1 है। कैपिटल बैलेंस दिए हमें, प्रॉफिट लॉस एलोकेट कर। पहले तो लिख लेते हैं लॉस, है ना, लॉस लिखते हैं। अच्छा, लॉस आ गया नेगेटिव में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 4%। कैपिटल की बैलेंस कितने हैं इनके? 35,000, 26,000, 40,000। इसका 4% कैलकुलेट करें। 35,000 का 4% 1,400, 1,400, 1,400 क्या गया? इंटरेस्ट 1,400 आएगा तो। लेकिन और ये 26,000 का 4% और 40,000 का 4% 1,600 आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 1,400, 1,040 और 1,600 टोटल आ गया। नेक्स्ट, सी टू बी एलोकेटेड अ सैलरी ऑफ 25,000 एंड 14,000। सैलरी एलोकेट करते हैं 14,000, 25,000। नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, इग्नोर करेंगे। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। अच्छा, बैलेंस निकालेंगे हम क्या करेंगे? अब लॉस दिया हुआ है तो लॉस में से सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी माइनस करते हैं। हाँ, तब ये लॉस है चूंकि, तो लॉस माइनस में है तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाए। आप लिखेंगे कैलकुलेटर पे, लिखेंगे -120,000, -4,040, -39,000। ये रिमेनिंग लॉस आ जाएगा 1,63,040 और इसे हम एज पर रेशियो डिवाइड कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? 4:3:1 है टोटल हो गया। इसका सम होगा 8 हो गया। पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4/8 से, और फिर 3/8 और फिर 1/8। तो ये इनके लॉस का शेयर है। ठीक, अच्छा, कॉलम वाइज इनका टोटल कर लेते हैं। कॉलम वाइज टोटल करेंगे तो इनका प्रॉफिट लॉस शेयर आ जाएगा। शेयर है ना, ये तो ये रेजिडुअल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब सबका सम करेंगे इन तीनों का, प्रॉफिट लॉस शेयर होगा। अब ये लॉस हुआ है, ये मिलेगा नहीं। वैसे अगर प्रॉफिट जो होता तो प्रॉफिट शेयर मिलते हैं, रेजिडुअल लॉस जो बचा हुआ होता है शेयर मिलेगा ना, प्रॉफिट शेयर मिलेगा। अब इसका शेयर कितना बना? 6,220 इसको मिलेंगे। इसका 46,100 नेगेटिव में तो ये माइनस हो जाएगा, 80,120। अच्छा, चेक करने का तरीका क्या था? इन तीनों का सम कर लें। हाँ, लॉस या प्रॉफिट जो भी उसके इक्वल आना चाहिए, तो इससे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चेक हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन आपने सही किया नहीं। सही चीजें घुमा के दे देता, मतलब फिर क्या लगना है। चेक करें, इसका सम करें। माइनस 80,120 माइनस 46,100 प्लस 6,220, 120 आ रहे नेगेटिव। तो इससे तो आप इसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं। इसमें एच एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस मेकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग बर्गर्स ऑन 1 जनवरी से।
एच इन्वेस्टेड 20,000 इन द बिजनेस एंड सी 14,000 इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेड द बिजनेस मेड 25,000 प्रॉफिट पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टेज द फॉलोइंग। अच्छा नाइदर पार्टनर रिसीव अ सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 4% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सब ये नया पॉइंट है और टू बी चार्ज एट 2% बैलेंस ऑफ प्रॉफिट टू बी स्प्लिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। अच्छा अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो ड्रॉइंग्स कौन करता है पार्टनर्स अब वो इंटरेस्ट देंगे ठीक है पार्टनर्स पे करेंगे बिजनेस रिसीव करेंगे और कैपिटल पे इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस देगा पार्टनर रिसीव करेगा। अच्छा प्रॉफिट कितना है 25,000 का ये आ गया 25,000 का प्रॉफिट। अच्छा अब इसमें क्या है पहले ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब ड्राइंग कौन करता है पार्टनर्स इंटरेस्ट कौन पे करेगा रिसीव कौन करेगा बिजनेस तो बिजनेस के लिए वो गई इनकम इससे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाए तो पहले आप ये करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड कर ठीक है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा। अब इंटरेस्ट ड्राइंग कितना है 2% अब इनके ड्राइंग्स हैं ये दी हुई बोथ एच एंड सी ड्रू 5,000 ईच फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 जुलाई टू पे फॉर देयर एनुअल फिशिंग हॉलीडेज। अच्छा देखिए इनका ईयर स्टार्ट बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी को ईयर एंड होगा 31 दिसंबर ड्रॉइंग्स कब किए इन्होंने जुलाई 1 तो जुलाई 1 से लेकर डिसंबर 31 तक कितने मंथ हुए तो इंटरेस्ट भी इनको 6 मंथ का देना होगा। तो 5,000 का 4% कैलकुलेट करें वो 2% 5,000 का 2% हो गया 100। अच्छा अभी 100 तो पूरे साल का इंटरेस्ट होगा इन्होंने ड्राइंग्स किए जुलाई में एंड हो रहा है दिसंबर 2 में 6 मंथ तो इंटरेस्ट भी 6 मंथ का पे करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो यहाँ से इनके अकाउंट से इंटरेस्ट माइनस होगा -50 -50 और प्रॉफिट में 100 प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 6 मंथ डिवाइड बाय 12 वो तो इनको मिलेगा ना कैपिटल वाला इंटरेस्ट तो कैपिटल कौन लगा रहा है पार्टनर तो उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा बिजनेस पे करेगा नहीं पार्टनर बिजनेस पे कर प्रॉफिट में से जाता है ना वो तो सारा वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट से होती है प्रॉफिट से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं प्रॉफिट से सैलरी देते हैं सारे काम प्रॉफिट से हो रहे हैं सारी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट से होती है। अच्छा बिजनेस का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25,100 हो गया अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 4% कैपिटल कितना है इनका 20,000 और 14 20,000 का 4% 800 14,000 का 4% 14,000 14 तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एस को मिल गया 800 सी को मिलेगा 560 टोटल हो गया 13 60 के बाद बस सैलरी किसी को नहीं मिल रही राइट अब क्या बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज टू बी स्प्लिट इन द रेशियो ऑफ 25,500 में से 1,360 माइनस करेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास 23,740। अब इसे एज पर रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रेशियो क्या है 3:2 का मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5 14,244 और मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 9,496 वो इंटर में लिखते हैं जरूरत नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन में यूज नहीं होते ना सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए होते। अच्छा कॉलम वाइज इनका टोटल करेंगे ये पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयर आ गए एच को मिल गया 14,944 सी को मिल जाएगा 10,006 और दोनों का सम कर लेंगे इक्वल आ जाएगा 25,000 तो ये आपका आंसर भी वेरीफाई होगा। यहाँ पे 25,000 प्रॉफिट पॉजिटिव ही है ना। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन टैली कर ले आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 प्रॉफिट है इसका 1,06,025 250। अच्छा पहले से हम ऐड कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ठीक है 3,000 डेब्यू का नील होगा क्योंकि उसने 30 जून का ड्राइंग्स किए
ई और सी इंटरेस्ट आ गया, इसको ऐड कर लेते हैं। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन, पहले क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर है ना, इंटरेस्ट आ गया। इसके बाद डब्ल्यू टू रिसीव सैलरी 5,000, सैलरी मिल गई डब्ल्यू को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने देख लिया। इसके बाद है प्रॉफिट शेयर रेशियो है। अच्छा, क्या करेंगे, इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को माइनस करेंगे, तो रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास, और इसे हम एज पर रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा, अब कॉलम वाइज इनका सम करते हैं, तो चारों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर आ जाएगा, रिमेनिंग ही रेशियोज निकलता है। ये तो सम करके आए ना, इन तीनों बैठ के तो ये आ गया, इन तीनों का सम ये रहा, इन तीनों का सम ये। अच्छा देखिए, इसमें एक लास्ट पॉइंट था कि गारंटेड मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट 42,500 फॉर सी। अब देखिए सी का शेयर बना कितना, 39,000। तो गारंटेड प्रॉफिट था 42,500 और इसका एक्चुअल शेयर बन रहा है 39,000, इट मीन्स इसको मजीद प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो गारंटेड अमाउंट होता है वो तो एटलीस्ट मिलता है ना। अच्छा, अब इसे गारंटी किसने दी होगी, बिजनेस किन का है, बाकी पार्टनर्स का, यानी कि बाकी पार्टनर्स ने इसे गारंटी दी होगी ना। ठीक है, हाँ। अब क्या होगा कि अब इसका जो डेफिशिएंसी आ रही है कितनी, 42,500 माइनस 39,000, ये 3,500 डेफिशिएंसी है। तब ये जो बाकी तीन पार्टनर है PWE, ये अपने अपने रेशियो में कंट्रीब्यूट करें, रेशियो में। अब इनका रेशियो क्या है, PWE का 2:1:3, तो आप 3,500 को 2:1:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर। अच्छा, तो 3,500 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ रहा है, 6.66, ठीक है, 6.7 हो जाएगा। फिर 3,500 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1, और फिर डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कर, हाँ, तीसरे पार्टनर की। देखिए 3,500 की डेफिशिएंसी थी, तीनों पार्टनर्स ने अपने अपने रेशियो में कंट्रीब्यूट की, तो इनके प्रॉफिट से माइनस करेंगे शेयर से, और सी के प्रॉफिट शेयर में ऐड कर देंगे, और अब इसका सम करेंगे, तो सी का जो है वो गारंटेड शेयर आ जाएगा 42,500, और ये बाकी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर आएगा। अब ये इनके अकाउंट से प्रॉफिट से माइनस हो जाएंगे ना, और सी के प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि गारंटी इन्होंने ही दी होगी। ये कॉपी कर लें, क्वेश्चन 5 तक हमने प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की। अब क्वेश्चन नंबर 6 से टॉपिक में चेंज आएगा, और यहां बनाएंगे अब इसके एंट्रीज और टी अकाउंट्स बनाएंगे। अच्छा, पार्टनरशिप में हर पार्टनर के दो अकाउंट्स बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट होता है और दूसरा करंट अकाउंट। अच्छा, कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करते हैं और एक दो ट्रांजेक्शन और आती है, बाकी सारी ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। अच्छा, तो क्वेश्चन हम करेंगे बाद में, पहले इसका आप जो फॉर्मेट टी अकाउंट का वो कॉपी कर ले, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मेट भी आपको समझ में आ जाएगा। करंट अकाउंट, अच्छा करंट अकाउंट का फॉर्मेट है। अच्छा, इसमें ये तीन कॉलम है, ए बी सी, तो ये असल तीन पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, राइट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। टी अकाउंट जो वो कंबाइन बनेगा, ठीक है, अलग अलग भी बना सकते हैं पार्टनर वाइज और कंबाइन भी बना। हम इसमें एक कंबाइन ही टी अकाउंट बना, ठीक है, दो पार्टनर्स होंगे दो कॉलम बन जाएंगे, तीन होंगे तो तीन कॉलम हो जाएंगे। ये फॉर्मेट कॉपी कर लें। अच्छा, ये करंट अकाउंट का फॉर्मेट, इसके बाद कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, ये भी कॉपी कर लें, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएंगे कैपिटल अकाउंट। ये भी कंबाइन अकाउंट बनेगा तीन पार्टनर्स का, दो पार्टनर्स होंगे तो दो कॉलम बन जाएंगे, तीन है तो तीन, चार पार्टनर्स होंगे तो फोर कॉलम, कंबाइन अकाउंट।